हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बोल सकते हैं, वाइपर टाइप क्वेश्चन आंसर भी बोल सकते हैं। डेविड बैटरी ऑफ डिफरेंशियल एप्टीट्यूड DBDA, व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड इज द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लर्न अ स्किल और प्रोफिशिएंसी। एप्टीट्यूड क्या होता है? पोटेंशियल होता है, ऐसी योग्यता होती है व्यक्ति की, जो क्या कहते हैं इसको, स्किल और दक्षता हासिल करने में मदद करती है। इट इज़ इन बॉर्न आर रिक्वायर एंड रिक्वायर्स ट्रेनिंग टू कैपिटलाइज एन एबिलिटी। इन शॉर्ट, इट इज़ टीचेबिलिटी इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, इन बॉर्न क्या होती है? जन्मजात होती है। ठीक है, और इसमें क्या रिक्वायर होती है? ट्रेनिंग जरूरी रहती है। ठीक है, व्हाट आर एप्टीट्यूड टेस्ट? एप्टीट्यूड टेस्ट आर मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एक्वायर न्यू स्किल्स। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है? इंडिविजुअल की एबिलिटी, मतलब क्षमता जो होती है, और उसमें नई नई स्किल्स को सीखने, एक्वायर में यहाँ पे हिंदी क्या होता है? अर्जन। ठीक है, अर्जन करने की क्षमता होती है। सच टेस्ट आर प्राइमरली यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है, फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा इसको मेजर करने के लिए यूज होती है। ठीक है, व्हाट इज अ स्किल? एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्ट विथ ईजी एंड प्रिसीजन। ठीक है, स्किल्स क्या होता है? कोई भी चीज़ हम बहुत अच्छे से सूक्ष्म सरल तरीके से कर सकें, वो क्या होती है? हमारी स्किल्स होती है। गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बाय वेस्टमैन, सीशोर एंड बैनेट। साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट बाय के अग्रवाल। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट हैं। और किसने दिया है ये सब भी इधर मेंशन है। हाउ साइंटिफिक एप्टीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल एप्टीट्यूड? इन साइंटिफिक एप्टीट्यूड थिंकिंग वेरिएबल इज हाई, वेयर एज मैकेनिकल एप्टीट्यूड कॉन्क्रीट वेरिएबल आर टेस्टेड। ठीक है, जो मैकेनिकल होता है उसमें कॉन्क्रीट वेरिएबल को हम टेस्ट करते हैं, और साइंटिफिक में क्या होता है? जो हमारा थिंकिंग होती है, जो हायर मेंटल प्रोसेस होती है, मेंटल लेवल की थिंकिंग होती है, डिसीजन, ये सब उसको मेजर करता है। ठीक है, मेंशन वेरियस यूजेज ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पे तीन दिए हुए, 1, 2, 3, कौन कौन से हैं? पहला, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस होती है उसमें, और सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट होती है, रिसर्च पर्पस। किस एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या मेजर होती है? वोकेशनल और एजुकेशनल गाइडेंस। ठीक है, और क्या होता है जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं कोई भी जॉब में के लिए, तो उसके लिए सिलेक्शन ली जाती है रिसर्च पर्पस के लिए, और रिसर्च के लिए भी यूज़ की जाती है। हाउ एप्टीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इज अ ग्रीन एनर्जी, वेयर एज एप्टीट्यूड इज स्पेशल एबिलिटी। इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर नर्चर, वेयर एज एप्टीट्यूड इज लार्जली डिटरमाइंड बाई नेचर। ठीक है, इंटेलिजेंस में क्या होता है? नेचर नर्चर मतलब हेरिडिटी को भी लेते हैं हम, इन्वायरमेंट को भी लेते हैं, और क्या कहते हैं एप्टीट्यूड में सिर्फ नेचर रहता है। ठीक है, नर्चर नहीं आएगा। ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंट, बट फॉर एप्टीट्यूड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इंटेलिजेंस के लिए ट्रेनिंग रिक्वायर नहीं होती है, बट एप्टीट्यूड के लिए रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। हाउ जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट? अंडर वन जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट मेनी एप्टीट्यूड्स कैन बी मेजर्ड, वेर एज इन स्पेशलाइज्ड वंस ओनली वन एप्टीट्यूड कैन बी असेस्ड। जनरलाइज्ड जब हम जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हम एप्टीट्यूड मेजर करते हैं तो हम ले लिए, ठीक है, उसको जनरलाइज कर सकते हैं। जब हम कोई इंडिविजुअल इंटरव्यू या इंडिविजुअल से बात करते हैं उसकी एप्टीट्यूड को मेजर करना हो तो वो हो गया स्पेशलाइज्ड हो गया। ठीक है, SCAT सिन्हा कॉम्प्रिहेंसिव एंजाइटी टेस्ट बाय AKP सिन्हा। व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी इज अ स्टेट ऑफ साइकिक डिस्ट्रेस कैरेक्टराइज्ड बाय फियर, एम्प्रिहेंशन एंड साइकोलॉजिकल अराउजल। जब हम कोई भी चीज़, कोई भी वर्क करने जाते हैं तो हम हमें डर रहता है, हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम क्या कहते हैं
जो हमारे इमोशंस होते हैं वो अलग अलग तरीके से अराउज होके, और वो सारी चीज़ों को हम निगेटिव वे में भी ले जा सकते हैं। ठीक है। हाउ एंजाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम वरी। एंजाइटी इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट कॉज इज नॉट नोन टू द पर्सन, वेयर एज वरी इज ऑब्जेक्टिव बिकॉज द कॉज इज नोन। ठीक है। जब भी हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस ये सब इस टाइप के देखते हैं तो फिर हम ये सोचने लगते हैं ये चीज़ें हमारे अंदर भी है। तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि एनजाइटी क्या होता है। यहाँ पे हम जो हम बिना बात के ही सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। ठीक है। और वरी में क्या होता है, वहाँ हमें पता रहता है कि क्या कारण है, इस वजह से हम चिंतित हैं। ठीक है। व्हाट इज एग्जिस्टेंशियल एनजाइटी। कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियल एनजाइटी वॉज गिवन बाई विक्टर फ्रैंकल। इट इज न्यूरोटिक एनजाइटी ऑफ स्पिरिचुअल ओरिजिन। ठीक है। एग्जिस्टेंशियल एनजाइटी किसने दिया था, विक्टर फ्रैंकल ने दिया था। न्यूरोटिक होती है जो हम क्या कहते हैं थिंकिंग लेवल पे बेस होती है। ठीक है। और इसकी ओरिजिन क्या है, स्पिरिचुअल है। ठीक है। व्हेन एनजाइटी बिकम अ डिसऑर्डर। व्हेन एनजाइटी बिकम्स प्रोलॉन्ग्ड, ज़्यादा दिन हो जाती है, ज़्यादा समय के लिए हो जाती है, डिफ्यूज एंड परसिस्टेंट। ठीक है। और क्या कहते हैं, मतलब हम उसको उस तरह उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और लगातार होती रहती है विदाउट एनी अपरेंट कॉज, देन एनजाइटी बिकम्स अ डिसऑर्डर। ऐसे ही लगातार चलती रहती है और ज़्यादा मतलब टाइम हो जाता है और हम उसे कोप अप नहीं कर पाते हैं तो वो डिजास्टर डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेस। पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू द स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। ठीक है। क्या होता है स्ट्रेस, क्या होता है जब हम क्या कहते हैं हम कैसे हम किसी स्टिमुलस को देख के कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, कैसा जैसे इवेंट हुआ उसमें हम कुछ करना चाहते हैं और होता कुछ है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बैलेंस नहीं हो पाता, तो हमें क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। व्हाट इज स्ट्रेन। रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस। जब हमें स्ट्रेस होता है जो उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया होती है वही है स्ट्रेस। स्ट्रेन। व्हाट इज न्यूरोटिक एंजाइटी। प्रोलॉन्ग फीलिंग ऑफ एनेक्शियसनेस एंड एप्रिहेंशंस विदाउट एनी अपेरेंट कॉज। न्यूरोटिक एंजाइटी क्या होगी, जो हम लगातार ज़्यादा समय तक हमारी जो जो हमारी इरेशनल थिंकिंग्स है और बिहेवियर है और बिना बात के कारण, बिना कारण के हम सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, वो हमारी न्यूरोटिक एंजाइटी में आएगी। हाउ विल यू इंटरप्रेट हाई एंजाइटी। न्यूरोटिक टेंडेंसीज लाइक एनेक्शियसनेस, एप्रिहेंशंस, फीलिंग्स ऑफ डिसकम्फर्ट, स्लीप डिस्टर्बेंस, फिजिकल सिम्टम्स एक्सेट्रा। क्या कहते हैं, हम एंजाइटी, जब हमें हाई एंजाइटी होती है तो न्यूरोटिक टेंडेंसीज क्या क्या हो गई, हम ज़्यादा सोचते रहते हैं, ज़्यादा कई मतलब हमारे सोचने का स्तर जो है, मतलब निगेटिव थॉट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं और जो हमें अच्छा महसूस नहीं होता है उसके बाद, और ये ऐसा मतलब काफ़ी समय तक चलता रहता है। ठीक है। स्लीप डिस्टरबेंस, और हमारे सोने की भी जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, और ये फिजिकल सिम्टम्स में भी नज़र आने लगते हैं कुछ टाइम के बाद। ठीक है। हाउ विल यू इंटरप्रेट लो एंजाइटी लेवल। लो एंजाइटी इंडिकेट्स लो मोटिवेशनल लेवल ऑफ द सब्जेक्ट। हम क्या कहते हैं लो एंजाइटी लेवल को कब वो कर सकते हैं, जब हम क्या कहते हैं कोई भी चीज़ के लिए कम मोटिवेट हो, और सब्जेक्ट जो भी चीज़ हमने ली है, सब्जेक्ट का हम यहाँ पे ले सकते हैं कंटेंट, फीलिंग्स, इमोशन, ये सब। ठीक है। व्हाई दिस टेस्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव। द टेस्ट आइटम्स कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंजाइटी, एग्जाम्पल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ये टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है इसलिए क्योंकि सब्जेक्टिव भी लेता है, मतलब हम उसको व्याख्या भी कर सकते हैं, मतलब विस्तार से कर सकते हैं और लिमिटेड फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।